हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज हम बात करेंगे बायोकेमिकल प्रेगनेंसी के बारे में कि ये टर्म क्या है। एग्जाम के लिए साइंस में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके कॉजेस, सिम्टम्स, रिस्क फैक्टर्स और इस पूरे प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे। आप मुझसे सोशल मीडिया पे कहीं पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। PDF आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। नाउ कमिंग टू दिस टर्म, बायोकेमिकल प्रेगनेंसी, या इसको केमिकल प्रेगनेंसी भी कहा जाता है। यूजुअली आपने वर्ड सुना होगा मिसकैरेज, कि कुछ लेडीज़ का मिसकैरेज हो जाता है जबकि आपकी प्रेगनेंसी फाइनल स्टेज तक नहीं पहुंच पाती। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो है वो स्टॉप हो जाता है 5th week ऑफ जेस्टेशन से पहले ही। ये वही समय होता है जब मैं केमिकल प्रेगनेंसी की बात कर रही हूँ। इसको अर्ली मिसकैरेज कहा जाता है। यूजली मिसकैरेज कई बार 1st month के बाद, 2nd month में ऐसे भी मिसकैरेजेस होते हैं। टर्मिनेशन, मिसकैरेज क्या है इसको आप कह सकते हैं, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, की प्रेगनेंसी ख़त्म हो गई। अर्ली मिसकैरेज जब होता है, जब एम्ब्रियो डेवलप नहीं कर पाता 5th week ऑफ जेस्टेशन से पहले पहले, उसको हम बायोकेमिकल प्रेगनेंसी कहते हैं। ये ऑलमोस्ट वही समय होता है जब एक महिला अपने पीरियड्स को एक्सपेक्ट कर रही होती है। अब एक्सपर्ट्स की माने, अब क्योंकि देखिए 5th week इज नॉट अ ह्यूज टाइम। 5th week में तो कई लोगों को पता भी नहीं होता कि वो प्रेगनेंट है या नहीं है। इसको कई बार फॉल्स प्रेगनेंसी या फॉल्स पॉजिटिव भी कई लोग मान लेते हैं। जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है तो प्रेगनेंसी स्ट्रिप्स आती हैं, तो कई लोग सोचते हैं कि ये फॉल्स पॉजिटिव भी हो सकता है, बट ऐसी बात नहीं है। वो महिला प्रेग्नेंट हुई होती है लेकिन 5th week से पहले ही उसका मिसकैरेज हो जाता है। फीटस, क्योंकि 5th week एक ऐसा वक्त है, अगर आप अल्ट्रासाउंड करवाने जाएंगे तो जो फीटस है वो आपको अल्ट्रासाउंड में नहीं दिखेगा, इसलिए हम उसको क्लिनिकल प्रेगनेंसी ना कहकर केमिकल प्रेगनेंसी बोलते हैं। अब केमिकल क्यों बोलते हैं, आई विल कम टू इट। अब एग्जैक्टली बायोकेमिकल प्रेगनेंसी क्या है, कि एक महिला डॉक्टर के पास गई, वो बोलती है कि कुछ दिन पहले तो मेरा जो प्रेगनेंसी टेस्ट मैंने घर पे किया वो पॉजिटिव आया, बट आई एम नॉट प्रेगनेंट। तो क्या मैं प्रेगनेंट थी भी या नहीं, तो डॉक्टर उसको समझाता है कि ये एक बायोकेमिकल प्रेगनेंसी थी, क्योंकि ये जो स्ट्रिप, जैसे आप ये देख रहे हैं, इसमें प्रेगनेंसी टेस्ट जब किया जाता है या यूरिन या ब्लड टेस्ट किया जाता है, तो कुछ हॉर्मोन्स के लेवल, हॉर्मोन्स के अल्टीमेटली दे आर द केमिकल्स, वो इंक्रीज हो गए होते हैं, तो दैट इज बायोकेमिकल प्रेगनेंसी। क्योंकि जब लेडी प्रेग्नेंट होती है, एम्ब्रियो डेवलप होता है, तो प्रेगनेंसी हार्मोन, तो ये भी आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि प्रेगनेंसी हार्मोन क्या है, बीटा एचसीजी डिटेक्ट होता है और जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आता है, जिसको हम बायोकेमिकल प्रेगनेंसी बोलते हैं। क्योंकि कंसेप्शन के बाद एम्ब्रियो ऑलमोस्ट 6 दिन के बाद खुद को इम्प्लांट करता है, और फिर जो टेस्ट में पॉजिटिव आता है या अल्ट्रासाउंड में भी दिखना शुरू होता है धीरे धीरे। लेकिन ये जो आपका बीटा कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन है, HCG, ये जो हार्मोन है ये इंक्रीज हो जाता है क्लिनिकल या प्री क्लिनिकल प्रेगनेंसीज में, जिसमें लोगों को पता चलता है वेदर दे आर प्रेग्नेंट और नॉट। ओके, अब ये बायोकेमिकल प्रेगनेंसी इज टू अर्ली प्रेगनेंसी। तभी मैंने आपको कहा कि अल्ट्रासाउंड में डिटेक्ट नहीं होगी। अब यहाँ पे वर्ड मैंने यूज किया कंसेप्शन। कंसेप्शन क्या है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद जब स्पर्म विल मीट द एग या ओवम, वो उसको फर्टिलाइज करेगा, तो उस टाइम हम उसको कंसेप्शन बोलेंगे। क्योंकि ह्यूमंस का रिप्रोडक्शन प्रोसेस कैसा होता है कि अब यहाँ पे भी एक फैक्ट है आपके लिए कि ह्यूमंस में कितने हॉर्मोन्स हैं, 46 हॉर्मोन्स हैं, या आप कह सकते हैं 23 पेयर्स। ओके, तो ये 46 क्रोमोसोम्स जो हैं, एक प्रोसेस है मियोसिस, जहाँ पे आपके सेल्स हाफ हो जाएंगे, फिर एग बनेगा, इसमें 23 हॉर्मोन्स हैं। मेल में क्या होगा, अगेन वही 46 क्रोमोसोम्स, 23 पेयर्स, फिर से मियोसिस होगा, 23 क्रोमोसोम्स आपके बचेंगे, फिर जब फर्टिलाइजेशन होगा तो 23 प्लस 23 फिर से 46 हो जाएगा। तो इस तरह से फर्टिलाइजेशन जो है वो होती है। 2 वीक में आफ्टर कंसेप्शन फर्टिलाइजेशन होता है, 3 वीक्स में इम्प्लांटेशन होती है, 4 वीक्स में ऑफिशियली वो सेल्स आपके एम्ब्रियो बन जाते हैं, और 5th week में सर्कुलेटरी सिस्टम जो है एम्ब्रियो का वो बनना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या कहा कि इस 5th week से पहले ही प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाती है, सो दैट इज बायोकेमिकल प्रेगनेंसी। अब एम्ब्रियो डेवलप क्यों नहीं हो पाता, इसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है कि उसके DNA में कुछ दिक्कत रही हो, उसके जेनेटिक मेकअप में कुछ प्रॉब्लम हो, या फिर
जैसे मैंने आपको कहा थोड़े समय बाद कंसेप्शन के एम्ब्रियो खुद को इम्प्लांट करता है, तो वो इम्प्लांटेशन प्रॉपर ना हुई हो, क्योंकि एक प्रॉपर इम्प्लांटेशन चाहिए, उसके बाद ही फीटस जो है पूरा बेबी में ग्रो करता है। अगर वो अच्छे से इम्प्लांट नहीं कर पाए तो भी प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाती है। तो जो आपका HCG का लेवल पहले हाई आया था कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव है, वो HCG का लेवल फिर नीचे गिरने शुरू हो जाता है। दैट इज व्हाई वी कॉल इट अगेन, आई एम कमिंग टू बायोकेमिकल प्रेगनेंसी। अब प्री क्लिनिकल प्रेगनेंसी लॉसेस जो हैं वो बहुत हायर हैं। सी बायोकेमिकल प्रेगनेंसी को हम प्री क्लिनिकल भी बोलते हैं। प्री क्लिनिकल क्यों? क्लिनिकल होगा जब वो अल्ट्रासाउंड में डिटेक्ट हो रहा है। प्री क्लिनिकल यानी अभी तक आपने सिर्फ जो ब्लड या यूरिन एसेज हैं उसी में आपको प्रेगनेंसी का पता चला है। प्री क्लिनिकल प्रेगनेंसीज बहुत हाई है, अमाउंट ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे 22%। और क्लिनिकली रिकग्नाइज प्रेगनेंसी लॉस रेट जो है, ये मैं लॉस की बात कर रही हूँ, ठीक है, लॉसेज काफ़ी हाई हैं, यानी मिसकैरेजेस हाई हैं। और अगर अदरवाइज अगर आप क्लिनिकल प्रेगनेंसी की मिसकैरेजेस की बात करेंगे, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान होती है, वो 10-12% है। और कई बार तो लोगों को पता भी नहीं चलता इस तरह की प्रेगनेंसी लॉस के बारे में। यूजली वही कपल्स नोट कर पाते हैं जो बेबी प्लान कर रहे हो। तो इस तरह से ये जो HCG का हार्मोन है, बिफोर प्रेगनेंसी तो नहीं होता, जब प्रेगनेंसी होती है तो एकदम हाई हो जाता है तो आपका पॉजिटिव रिजल्ट आता है, लेकिन अगर मिसकैरेज हो जाता है तो ये हार्मोन फिर से नीचे गिर जाता है। दैट शोज एन एम्ब्रियो लॉस। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन केमिकल प्रेगनेंसी एंड क्लिनिकल प्रेगनेंसी? सो केमिकल आप समझ गए कि केमिकल वर्ड हम क्यों यूज कर रहे हैं, इस हार्मोन की वजह से, HCG की वजह से, क्योंकि जो ब्लड और यूरिन में डिटेक्ट हो रहा है प्रेगनेंसी टेस्ट के। तो क्लिनिकल प्रेगनेंसी होगी जिसको आप बाद में क्लिनिक में जाएंगे, चेक करवाएंगे, फीटस डेवलप हो रहा है अल्ट्रासाउंड में उसको देख पाएंगे, आपको प्रॉपर साइन दिखेंगे, दैट इज क्लिनिकल प्रेगनेंसी। अब जो क्लिनिकल प्रेगनेंसी है इसमें भी HCG लेवल्स ऑब्वियसली आपके राइज करेंगे, और उस टाइम आपके एम्ब्रियो का जो हार्ट बीट है वो भी 6-7 weeks में डिटेक्ट हो पाएगा। अब केमिकल प्रेगनेंसी के साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं, क्योंकि अगर ये केमिकल प्रेगनेंसी हो रही है, पीरियड कम्स अबाउट अ वीक लेटर देन यूजुअल, तभी लोग उसको पता भी नहीं करवा पाते कि ऐसा हुआ था, वो प्रेग्नेंट थे या नहीं थे, और पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट आता है बट देन यू गेट योर पीरियड। सो बायोकेमिकल प्रेगनेंसी, ये मतलब लॉस अगर हो रहा है तो बहुत सारे वेरियस रीजंस हो सकते हैं, जैसे मैंने जेनेटिक मेकअप कहा, कोई इन्फेक्शन हो सकती है, एज भी मैटर करती है कि 35 के बाद जो लोग प्रेगनेंसी की ट्राई करते हैं, बेबी प्लान करते हैं, उनमें ये चीज़ कॉमन देखी जाती है। स्पर्म DNA प्रॉब्लम्स हो सकती है, मेडिकल प्रॉब्लम्स, थायरॉइड, डायबिटीज़, ये सब इश्यूज़ हो सकते हैं। सो रिस्क अर्ली मिसकैरेज का इन्हीं केसेस में रहता है। एक तो एज मैटर करती है और हार्मोन लेवल्स, इन्फेक्शंस, ये सब मेजर रीजंस रहते हैं। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। बहुत से लोगों में जहाँ पे बायोकेमिकल प्रेगनेंसी देखी जाती है या ये लॉस देखा जाता है तो ट्रीटमेंट नहीं है, बाद में नॉर्मल प्रेगनेंसीज हो सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बार बार इस तरह का प्रेगनेंसी लॉस, एम्ब्रियो लॉस हो रहा है, फिर हेल्थ केयर प्रोवाइडर से मिलना इज इम्पॉर्टेंट। क्या हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं? तो इसको कोई प्रिवेंट करने का तरीका हमारे पास नहीं है, तो दैट इज अगेन इस तरह के इश्यूज़ के लिए डॉक्टर्स के पास ज़रूर जाना चाहिए। सो दैट इज़ इट। आई होप यहाँ पे जो हमने टर्मिनोलॉजी ढेर सारी यूज़ की है, बायोकेमिकल प्रेगनेंसी, क्लिनिकल प्रेगनेंसी, कंसेप्शन, मियोसिस, कितने हार्मोन्स हैं, ठीक है, मियोसिस के बाद कितने हो जाएंगे, कब इम्प्लांट होता है, किस वीक पे हार्ट बीट डिटेक्ट होती है, ये सब फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।